हेलो एवरीवन माय नेम इज देवेंद्र चतुर्वेदी पीसीसीपी डिवीजन कोटा कंप्यूटर फैकल्टी टुडे आई एम अगेन विद हेवी विद यू टू शेयर द अगेन न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द 2017 पेपर ZIO दैट इज अ क्वेश्चन नंबर थर्ड दैट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू द हाइड एंड सीक प्रॉब्लम अब कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के पास ZIO में इस तरह के भी होते हैं जहां हम लोगों को किसी टेस्ट पर्टिकुलर आंसर को फाइंड आउट करने के लिए कुछ फॉर्मुले डिजाइन करने पड़ते हैं लाइक इन दिस क्वेश्चन एक सिचुएशन अगेन आप लोगों के पास होगा दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि जेड आई यू के हर पेपर में एक सिचुएशन आप लोगों के पास होती है फॉर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो पहले मैं आपको एक सिचुएशन के बारे में आप लोगों को बताता हूं फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे यहां पे आप लोगों को बता रखा है कि आप लोगों के पास क्या है ग्रुप ऑफ एन चिल्ड्रे सपोज आपके पास वी हैव एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या एन नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट बाय चिल्ड्रीप्रेजेंट बाई थ्री देर नंबरिंग अब वो जो स्टूडेंट्स हैं वो एक गेम प्ले कर रहे हैं दैट इज द मोस्ट फेमस गेम ऑफ द चाइल्ड हुड दैट इज द हाइड एंड सीक दैट मीन वहां पे एक गेम होना है जिसे बोला जा रहा है हाइड एंड सीख का गेम आप लोगों को वहां पे कंडक्ट करवाना है अब सिचुएशन ये है कि हर किसी का अपना एक अलग कंसेप्ट है दैट मीन हर स्टूडेंट चाहता है कि वो हाइडर बने अब वो हो सकता है एक स्टूडेंट एक बार हाइडर बनना चाहता हो एक स्टूडेंट एक दो बार हाइडर बनना चाहता हो एक स्टूडेंट तीन बार हाइडर बनना चाहता हो तो हर स्टूडेंट का एक अलग क्या है विश है कि वो क्या बनना चाहता है हाइडर सो so, आपको यहां पे क्या करना है आपके पास एन नंबर ऑफ पर्सन है और आपको यहाँ पे हाइड एंड सीक गेम के वी हैव टू कंडक्ट मल्टीपल राउंड ठीक है जहां पे हम उनको हाइड और हाइडर और सीकर बना पाए ठीक है अब आप लोगों को पास देर विल बी वन सीकर एंड एन माइनस वन हाइडर अब ये तो आप जानते ही हैं अच्छी तरह से कि सपोज अगर फाइव स्टूडेंट्स हाइड एंड सीक गेम प्ले कर रहे हैं और अगर एक स्टूडेंट हाइडर अगर आप लोगों के पास जैसे हम बोलते हैं कि अगर फोर स्टूडेंट हाइडर हैं तो एक क्या होगा आपके पास वहां पर सिकर भी तो होगा ना जो कि उनको क्या कर रहा होगा ढूंढ रहा होगा या आप ऐसे बोल दो कि अगर एन स्टूडेंट्स गेम को प्ले कर रहे हैं एक सिकर है तो कितने हाइडर्स होंगे एन माइनस वन हाइडर्स तो होंगे ही सही ना समझ में आ रही मेरी बात भाई एक बंदा आ, आ, सर्च कर रहा है तो बाकी जितने भी पर्सन होंगे उस गेम में वो हाइडेड होंगे उस टाइम पर तो यहां पे आपको पहले ये स्ट्रेटजी दिमाग में क्लियर करनी है कि कितने नंबर ऑफ हाउ मेनी पर्सन वी हैव या हाउ मेनी स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन वी हैव टू प्ले दैट इज एन अब उनको हम लोगों को कितने राउंड में हाइड एंड सीख के लाना है वो एक हम लोगों का अलग क्राइटेरिया है वो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे बट हम लोगों को पहले ये सोचना है कि हर स्टूडेंट का हाइडर बनने का विश होगा सीकर कोई नहीं बनना चाहता पर हम लोगों को यह भी तो निकालना है कि अगर हम इस गेम को प्ले करना चाहते हैं और उसे सीकर कितनी बार बनाना है यह भी तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ राउंड हम लोग निकालेंगे सो so, आप लोगों के पास यहां पर क्या है क्वेश्चन कि आपको यहां पर टोटल कितने राउंड प्ले कराने पड़े जिससे कि हर स्टूडेंट का विश आप फुलफिल कर पाए क्लियर मतलब हम लोगों को यह फाइंड आउट करना है कि जो हु टू बी हाइडर वन टाइम सम स्टूडेंट वांट टू बी हाइडर हाइडर टू टाइम सम अदर स्टूडेंट वांट टू बी हाइडर थ्री टाइम तो अगर हर स्टूडेंट uh, uh, so, का हाइडर बनने का जो रिक्वायरमेंट है जो uh, इच्छा है वो अलग अलग टाइम है तो हम टोटल कितने राउंड कंडक्ट करें जिससे हर स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाए ये हम लोगों का बेसिक रिक्वायरमेंट या क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव एन इक्वल्स टू फोर ठीक है आप यहां पे समझिएगा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स गेम को प्ले करने वाले फोर एच वन इज इक्वल टू वन यहां पर यह चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो कितनी बार हाइड्रा बनना चाहता है सिंगल टाइम H2 जो स्टूडेंट है वो कितनी बार हाइडर बनना चाहता है आप लोगों के पास यहां पे थ्री टाइम H3 जो स्टूडेंट है वो हाइड्र कितनी बार बनना चाहता है टू टाइम और H4 कितनी बार बनना चाहता है वन टाइम तो आप लोगों के पास कितने स्टूडेंट है टोटल फोर स्टूडेंट है एच वन एच टू एच थ्री एच फोर वहां पर जो हाइडर बनने की डिमांड है स्टूडेंट्स की वो क्या है एच वन सिंगल टाइम हाइडर बनना चाहता है एच फोर सिंगल टाइम हाइडर बनना चाहता है पर एच टू थ्री टाइम और एच थ्री टू टाइम हाइडर बनना चाहता है तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या होगा अगर आप इन सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहते हो तो आप यहां पे देखना कि अगर राउंड वन में अगर आपने चाइल्ड वन को हाइडर बना दिया चाइल्ड वन को क्या बना दिया आपने हाइडर या चाइल्ड वन को आपने सीकर बना दिया तो आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा कि अगर आपने फर्स्ट वाले चाइल्ड को ध्यान से सुनना आपसे बोला जा रहा है कि आपने अगर फर्स्ट वाले चाइल्ड को क्या बना दिया हाइडर क्लियर है तो आप यहां पे याद रखना टू थ्री एंड फोर्थ नंबर का जो चाइल्ड है वो क्या होगा आपका यहां पर सीकर होगा देन चाइल्ड हैज टू बी हाइडर इन टू राउंड क्लियर है मेरी बात मतलब आप यहां पे समझना कि आपका एच वन कितनी बार हाइडर बनना चाहता है वन टाइम अब अगर आपने पहली बार में एच वन को हाइडर बना दिया तो आप ये याद रखिएगा कि बाकी के सारे राउंड में एच वन क्या बनेगा सीकर बनेगा और अगर मैं यहां पे बात करता तो, हूं सबसे ज्यादा राउंड यहां पे किसके होने सपोज एच टू के थ्री टाइम तो अगर आप एच टू को थ्री टाइम हाइड्र बनाते हो तो यहां पे याद रखिएगा जो आपका एच वन है वो थ्री टाइम सीकर बनेगा और एक टाइम उसको क्या करना है हाइड्र भी बनना है आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है जो मैं बोलना चाहता हूं लाइक like मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं उसका मीनिंग ये है कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको यहां पे दिख रहा होगा कि आपका H2 को आप कितनी बार हाइड्र एच कितनी बार हाइड्र बनने की डिमांड कर रहा है थ्री टाइम तो अगर मैंने ये एच है ये एच है ये एच है ये एच है अब अगर आपने H2 को कितनी बार हाइड्र बना दिया थ्री टाइम ठीक है तो आपका जो एच वन था वो कितनी बार सीकर बना थ्री टाइम सीकर बना एच थ्री जो था वो कितनी बार सीकर बना थ्री टाइम सीकर बना एच फोर थ्री टाइम सीकर बना अब आपने एच वन को भी एक बार हाइड्रा बना दिया ठीक है तो कितने राउंड हुए वन टू थ्री फिर आप एच टू को एच थ्री को भी टू टाइम हाइड्रा बनाओगे कितने राउंड और होंगे फोर फाइव फिर आप थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन तो टोटल कितने राउंड हम कंडक्ट करवाए वो हम लोगों को यहां पे फाइंड आउट करना है जिससे कि हम इन सबकी रिक्वायरमेंट को क्या कर पाए फुलफिल कर पाए ठीक है अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बात कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ये आपका एक अपने आप में टिपिकल सा कंसेप्ट है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि सपोज करो आप लोगों के पास जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे थे कि H1 जो था वो सिंगल टाइम हाइडर बनेगा H2 टू थ्री टाइम बनेगा H3 थ्री टू टाइम हाइडर बनेगा H4 फोर वन टाइम हाइडर बनेगा तो अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपके पास मैक्सिमम राउंड यहां पे किसके दिख रहे हैं थ्री राउंड तो कम से कम होंगे ही होंगे ना भाई आपके पास H1, H3, H4 ये तो कम क्वांटिटी में हाइड्रोन बनने की डिमांड कर रहे हैं मैक्सिमम हाइड्रोन बनना कौन चाहता है H2 तो कम से कम इतने राउंड तो कराओगे ना आप तो मैं मान के चलता हूं कि जो राउंड है जिसे मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं राउंड को वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर पी से जो कि क्या है अपने पास थ्री एटलीस्ट सी तो होगा ही होगा मिनिमम जो राउंड है जो हम लोगों को यहां पे कंडक्ट कराने वो मैं यहां पे किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं पी से जो कि मिनिमम राउंड कितने होंगे आप लोगों के पास यहां पर ये मिनिमम राउंड आपको कराने ही है दैट इज पी ठीक है अब हम लोगों को तो टोटल राउंड फाइंड आउट करने है तो आप हाइडर निकालने के लिए पहले आप ये अच्छा आपके पास हाइडर कितने हैं वो हम लोग बात करते हैं आपके पास हाइडर कितने हैं यहाँ पर हाइडर है आप लोगों के पास यहां पे एच वन ठीक है एच टू एच थ्री एच फोर इस तरह से कितने हाइडर हो सकते हैं आप लोगों के पास एच एन टोटल हाइडर कितने हैं अगर मैं आपसे ये बोलूं कि टोटल हाइडर कितने हैं या टोटल मैं आपसे बोलूं हाइडर तो हो गया सीकर कैसे निकालें अगर अपन के एक हाइडर तो निकल गया सीकर कैसे निकलेंगे तो आप ऐसे समझो कि मैं अगर आपसे बोलता हूं कि मैंने एच वन को टोटल राउंड में अगर पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मेरे को टोटल तीन राउंड खिलाने हैं और मैंने अगर एच वन को एक बार हाइडर बना दिया तो वो कितनी बार सीकर बनेगा टू टाइम ना मेरी बात समझ में आ रही है टोटल राउंड में कितने प्ले कराना चाहता हूं थ्री और अगर मैंने एच वन को एक बार हाइडर बना दिया तो जो रिमेनिंग राउंड होंगे बचे हुए दो राउंड है वो क्या बनेगा सीकर बनेगा ना तो हम सीकर कैसे निकालेंगे पहले आप वो भी तो समझो तो सीकर निकालने का तरीका मैं ये बोल दूं कि एच वन कितनी बार सीकर बनेगा P, -H1. क्लियर P मतलब टोटल राउंड एच वन मतलब वो कितनी बार बना? तो फर्स्ट वाला पर्सन एक बार हाइडर बना अगर और टोटल राउंड थ्री थे तो वो कितनी बार सीकर बनेगा टू टाइम सीकर बनेगा सिमिलरली मैं ऐसे भी, भी तो बोल सकता हूं कि P माइनस एच टू फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूं P माइनस एच थ्री क्योंकि ये तो ठीक है हम लोगों के पास कितने स्टूडेंट्स हैं फोर पर डेफिनेटली न्यूमेरिकल में हम लोगों के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं P माइनस एच एन तो अच्छा हम ये निकालें कि टोटल हाइडर और सीकर टोटल कितने गेम खिलाने हैं तो हाइडर तो हमें पता गए पर हमें हाइडर माइनस सिकर करके टोटल राउंड भी तो निकालने तो हम यहाँ पे अगर टोटल राउंड निकालने की बात करें अगर हम लोग यहां पे बात करें कि हम टोटल राउंड कितने गेम के प्ले कराएं उसके लिए अगर हम बात करें तो टोटल राउंड अगर आप निकालना चाहते हैं टोटल राउंड ठीक है तो हम उसके लिए क्या करेंगे पहले टोटल सीकर्स निकालो आप टोटल सीकर्स जो आप निकालोगे ठीक है वो क्या होगा आप लोगों के पास यहां पर अगर मैं ऐड करूं तो P माइस पी माइनस टोटल सीकर निकाल रहा हूं मैं यहां पर P माइनस एच वन प्लस पी माइनस एच टू प्लस पी माइनस एच थ्री प्लस पी माइनस एच एन तो टोटल ये इतने हम लोगों के पास क्या होंगे सीकर्स अवेलेबल होंगे तो अगर हम लोग इसको बोल दें इनको अगर हम रिप्रेजेंट करा दें अच्छा ये जो आपके पास टोटल होंगे ये आपके मिनिमम राउंड से तो ज्यादा या इक्वल आएंगे आएंगे तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल्स टू वन टू एन पी माइनस एच आई ये हम लोग लिख सकते हैं और ये डेफिनेटली किससे बड़ा होगा आप लोगों के पास ग्रेटर देन इक्वल टू पी होगा टोटल राउंड होगा ठीक है ये टोटल सीकर होंगे अब इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैंने बताई दिया एच आई जो होगा आपका वो वन से लेके एन तक होगा तो इसको हम और कैसे सॉल्व करें अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूं तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना अगर मैं ये तो मैंने बना दिया ये तो हो गया हम लोगों के पास पर इससे भी मुझे भी फाइनल आंसर तो नहीं निकालने को मिला ना मैं इसको और सोर्ट आउट करना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं ना कि मैं P को इतनी बार ऐड कर रहा हूं ये P ये भी P ये भी P ये भी P को मैं इतनी बार ऐड कर रहा हूं तो आप ऐसे समझिए कि मैं अगर टू प्लस टू प्लस टू तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना टू इंटू थ्री भाई टू प्लस टू फोर प्लस टू सिक्स टू इंटू थ्री भी तो सिक्स ही होगा ना तो आपको मैं यहां ये बोल रहा हूं पी पी कितनी बार ऐड हो रहा है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे कि पी इंटू एन माइनस सिगमा एच आई आई इक्वल्स टू वन टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी ये भी तो लिखा जा सकता है ना इसको मैं अगर यह करूं कि मुझे तो राउंड तो निकालना है टोटल तो मैं इसको और सोर्ट आउट करने की कोशिश करता हूं कि मैं इसको से, सेकेंड टाइम पे ले जाता हूं तो पी डॉट एन माइनस पी गेटर देन इक्वल टू सिगमा एच आई मैं इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं ये न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं यहां पर मैं स्कोर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो पी में कॉमन ले लेता हूं एन माइनस वन गच आई आई इक्वल्स टू जो होगा आप लोगों के पास वो कहां से कहां तक होगा ये आप लोग देख ही रहे आई जो होगा आपका वो कहां से स्टार्ट होगा एन से वन से वन से एन तक इसको मैं और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं तो हम लोगों के पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा यहां पर uh, मैं अगर फाइनल फॉर्मूला निकालने की बात करूं तो पी इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू या पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर मैं इस फॉर्मूले को फाइनल निकालने की कोशिश करूं तो p गट देन इक्वल्स टू सिग्मा एच आई आई इक्वल्स टू वन टू एन अपॉन एन माइनस वन ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए काम में ले सकते हैं तो मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा इस न्यूमेरिकल में मैंने क्या किया है इस डेरिवेशन में मैंने क्या किया है मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि आप ऐसे समझिए कि सपोज आपके पास कितने स्टूडेंट से H1 एक बार हाइड्रोन बनना चाहता है एच टू आपका थ्री टाइम बनना चाहता है एच थ्री आप लोगों के पास कितनी बार बनना चाहता है हाइड्रे टाइम तो तो सब बनना चाहते हैं पर हम लोगों को टोटल राउंड निकालने तो हमें हाइडर भी चाहिए और सीकर भी चाहिए तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो बड़ी विश है वो किसकी है हाइड्र बनने की एच टू की वो कितनी है थ्री तो मुझे ये तो पता है कि कम से कम मुझे थ्री राउंड तो कराने ही है मैक्सिमम नहीं पता पर मुझे ये पता है, कम कम तो 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 है बट मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि सिस्टम को कितने राउंड की जरूरत पड़ेगी वो मुझे भी फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या करा सबसे पहले इस न्यूमेरिकल के लिए हाइडर तो मुझे पता थे मेरे को यह भी निकालना था कि अगर H1 एक बार हाइडर बन रहा है तो वो सिकर कितनी बार बनेगा तो मैंने यहां पे क्या तरीका निकाला कि राउंड मिनिमम राउंड मुझे पता है पी तो होंगे तो मैं यहां पे मिनिमम नंबर ऑफ राउंड पी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो कि अभी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल थ्री तो मैंने पी राउंड माना है पी क्या है आपके पास मैं फिर से बता रहा हूं पी इज रिप्रेजेंट राउंड अगर मुझे सीकर निकालने तो मैं क्या करूंगा पी माइनस एच वन तो एच वन हाइड्रिक बनने के बाद कितनी बार सीकर बनेगा कितनी बार वो राउंड प्ले करेगा वो निकाल दिया एच टू का निकाल दिया मैं सबको अगर एड करता हूं <coughs> टोटल राउंड निकालने के लिए तो आपने क्या करा पी माइनस एच वन प्लस पी माइनस एच टू प्लस पी माइनस एच थ्री प्लस पी माइनस एच एन अब ये पी आप बार बार ऐड कर रहे हैं तो मैंने इसको क्या लिख दिया यहां पर एन इन टू पी माइनस एच वन एच टू एच थ्री इन सब का सम होना है तो समीशन लगाया मैंने यहां पे समीशन एच आई और आई को कहां से स्टार्ट कर दिया वन से एन तक इनका जो कैलकुलेशन आएगा वो डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा मिनिमम राउंड पी तो होगा डेफिनेटली होगा ये हम मान रहे कर रहे कर इसको और सॉल्व करने की कोशिश करी मैंने तो मैंने ये पी भी उधर शिफ्ट कर दिया क्लियर है तो आपके पास क्या इक्वेशन बनी पी डॉट एन माइनस पी ग्रेटर टू सिग्मीशन ऑफ एच आई

क्वेश्चन में गिवन सबसे ज्यादा बड़ी विश हाइडर बनने की उसे आप क्या बोलोगे पी बोलोगे यहां पर यहाँ पे टोटल हाइडर कितनी बनना चाहते हैं उनका एडिशन अपोर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस वन तो ये एक फॉर्मूला है जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ हद तक हम लोगों का हेल्प करेगा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक इज दट क्लियर अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम उस न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम एक एग्जाम्पल पे यहां पे बात करते हैं ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों को गिवन है मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं जो हम लोगों ने निकाला था फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने यूज किया है वो क्या था कि पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिग्मा एच आई आई इक्वल्स टू वन टू एन माइनस वन ये हम लोगों का था यहां पे हम सबसे पहले पी की बात करते हैं पी क्या था आप लोगों के पास मैक्स हाइड विश ठीक है हाइडिंग की मैक्सिमम विश इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है और एन कितना है वो आपको गिवन है एन इक्वल्स टू क्या है आपके पास सेवन और यहां पे h1 वन सिक्स टाइम हाइडर बनना चाहता है एच टू टू टाइम बनना चाहता है एच टू थर्टीन टाइम हाइड्रो बनना चाहता है एच थ्री नाइन टाइम एच फोर नाइन टाइम एच फाइव फिफ्टीन टाइम तो यहां पे जो सबसे बड़ी हाइड्रो बनने की विश है वो कितनी है 15. तो आप जो भी आपका आंसर निकालेंगे उसमें आपको एक माइल स्टोन तो मिल ही गया है कि आप कितने भी राउंड कराओ आपके जो मिनिमम राउंड है वो क्या है फिफ्टीन फिफ्टीन से कम राउंड आप नहीं करा सकते हो इस क्वेश्चन में याद रखना जो है आपके पास कितना है फिफ्टीन सो तो आपको यहां पे याद रखना है मिनिमम राउंड टू बी कंडक्ट तो आपको मिनिमम राउंड कितने करवाने हैं फिफ्टीन तो करानी ही है अब अगर आपका आंसर फिफ्टीन से कम आता है तो आपको याद रखना है आपको आंसर क्या कंसीडर करना है 15 ही कंसीडर करना है पर अगर आपका आंसर 15 से ज्यादा आता है तो आप उसे कंसीडर करेंगे पर अगर 15 से डाउन से आता है तो मिनिमम 15 तो आंसर आपका है इज इट क्लियर अब हम अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपका इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप लोग सॉर्ट आउट करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं समीशन ऑफ एच आई इसका मतलब आपको पता है ही सही इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन सब का हाइडिंग कैपेसिटी का सम करोगे इसका मीनिंग क्लियर है टोटल ऑफ हाइडर्स अपॉन एन माइनस वन आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आप एडिशन करेंगे तो सिक्स प्लस uh, कितना है आपका एच वन सिक्स टाइम चाहता है एच टू थर्टीन टाइम फिर आपका एच थ्री नाइन टाइम एच फोर फाइव टाइम एच फाइव फिफ्टीन टाइम एट टाइम नाइन टाइम अपॉन एन एन क्या है आपका सेवन माइनस वन पहले आप इनका एडिशन कर लीजिए इनका जब आप एडिशन करेंगे तो आप करके देख लीजिए एक बार फिफ्टीन प्लस फाइव कितना हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस आ, जो आप करेंगे सेवनटीन वो होगा थर्टी सेवन थर्टी सेवन और नाइन आप करेंगे तो क्या होगा आप लोगों के पास थर्टी सेवन और नाइन आप करेंगे तो इज इट क्लियर हाँ, तो आपका इनका जो टोटल आएगा आप लोगों के पास वो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा आप लोगों के पास सिक्सटी एट इन सबका जो एडिशन होगा वो कितना आएगा आपका सिक्सटी एट और यहां पे क्या होगा सिक्स जब सिक्सटी एट को आप सिक्स से डिवाइड करेंगे तो आपका आउटपुट कितना आएगा वो आप लोग निकाल लीजिए यहां पर जब आप सिक्स को सिक्सटी एट को सिक्स से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट कितना आएगा आपका वन अब आपका क्या होगा इलेवन इलेवन टाइम तो डिडक्ट हो गई होगा ना 66 ठीक है आपका रिमेनिंग क्या होगा 2 20 आप करोगे तो 6.3 आपका वैल्यू होगा लगभग अब आप इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल पे चल रहे थे तो आप लोगों को पता है क्या था आपका पी क्या था आप लोगों के पास यहां पर पी था आपके पास जो हम लेके चल रहे थे यहां पे 15 तो आप यहां पे चेक करेंगे पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू और आपका समीशन आई बराबर वन टू एन एच आई और एन माइनस वन तो पी क्या था आपका फिफ्टीन ग्रेटर टू इलेवन पॉइंट थ्री कंडीशन आपकी क्या है ट्रू और इलेवन पॉइंट थ्री राउंड तो हो ही नहीं सकते क्योंकि अगर आपने इलेवन पॉइंट थ्री राउंड किए तो फिर आप लोगों के पास एच फाइव का तो आप विश पूरा कर ही नहीं पाएंगे एज यूजली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आपका आंसर ग्रेटर देन फिफ्टीन होता है तो आप डेफिनेटली उसे कंसीडर करेंगे पर अगर आपका आंसर 15 से कम है तो आप उसे कंसीडर नहीं करेंगे तो आपका जो आंसर आया है आप लोगों के पास बेसिकली वो क्या आया है 11.3, बट ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 11.3 राउंड अगर हम कंडक्ट कराते हैं तो एच का जो विश था फिफ्टीन टाइम या आपके पास जो एच टू का जो विश था कि वो थर्टीन टाइम हाइडर बनना चाहता है पर आप तो राउंड ही कितने करा रहे इलेवन पॉइंट थ्री करवा रहे हैं तो फिर तो ये गेम पॉसिबल ही नहीं है तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो कितना कंसिडर करना पड़ेगा आपको राउंड करना पड़ेगा इज क्लियर तो मैं आपको फिर से यही बता रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं तो यहां पे एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने क्या मैकेनिज्म लगाया है एक सिंपल सा ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं तो इसका कंसेप्ट यह हुआ इस तरह के न्यूमेरिकल में कि टोटल हाइडर्स जो बनना चाहते हैं उनका आप एडिशन कीजिए और जितनी क्वांटिटी थी माइनस वन करके आप डिवाइड कर दीजिए जिसे बोलते हैं अप्रोक्सिमेट लाइक एवरेज निकालने के तरीके को भी हम इस तरह से कंसिडर करते हैं जो भी आपका आंसर आएगा अगर वो आपके मिनिमम अब मिनिमम राउंड हम कैसे कंडक्ट कराते हैं याद रखना मिनिमम राउंड जो होते हैं वो आपको क्वेश्चन में होते हैं गिवन कि मिनिमम इतने राउंड तो आपको कराने हैं ठीक है थीके? जो भी मैक्सिमम हाइडर बनने का विषय है वो आपके पास क्या होता है मिनिमम राउंड होता है जिसे हम पी से रेफर करवा रहे हैं। आप कांस्टेंट है पी वर्ड उसे आप कुछ भी ले सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बट आप यहां पर टोटल कितने राउंड कराने का विश रखते हैं हम टोटल कितने राउंड कराने का विश रखते हैं यहां पर एच फाइव इजिकल्स टू फिफ्टीन दैट मीन मिनिमम होंगे अब आपने जब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया तो आपकी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से द टोटल राउंड दैट यू फाइंड आउट इज इलेवन पॉइंट थ्री बट अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट इलेवन पॉइंट इलेवन पॉइंट थ्री इज नॉट कंसिडरेबल वाई बिकॉज एच थ्री वॉन्ट टू बी या एच टू वॉन्ट टू बी हाइड्रेट थर्टीन टाइम्स एंड एच फाइव वीडर फिफ्टीन टाइम तो जो अब अगर आ, इफ आ, आ, मैंने यहाँ पे इलेवन पॉइंट थ्री को कंसिडर करा तो फिफ्टीन और थर्टीन टाइम जो राउंड है वो कंडक्ट हम करा ही नहीं पाएंगे तो इस केस में हम लोगों के पास जो मिनिमम हम लोगों ने कंसिडर करा था पी वो ही यहाँ पे एज ए आंसर हम लोग यूटिलाईज करेंगे तो टोटल कितने राउंड हम लोग कंडक्ट करवाएंगे यहाँ पर पी इक्वल्स टू फिफ्टीन इज देट क्लियर ये हम लोगों के पास होते हैं एक और आ, 2017 का क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलरली आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं वो भी आपके इसी पैटर्न पर बेस्ड है मैं आपको बताता हूं यहां पर कि अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे वहां पर भी आपको यही चीज एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है क्लियर है तो दैट इज ऑल अबाउट मैं फिर से बोल रहा हूं हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो क्या फॉर्मूला है मैं आपको फिर से बता देता हूं पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच आई आई स्टार्ट फ्रॉम आई स्टार्ट फ्रॉम एन वन टू एन एंड एन माइनस वन वेर वॉट इज द आई व्हाट वॉट इज द एच हाइडर्स ठीक है वॉट इज द एन क्वांटिटी दैट इज रिप्रेजेंट इन अवर क्वेश्चन तो क्वेश्चन आपके पास सिंपल है आपको सॉल्व करने का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ 2017 वी विल सॉल्व द पेपर्स ऑफ नेक्स्ट अदर डिफरेंट इयर्स and uh, we will discuss uh, different kind of problems in the next session till then thank you be safe goodbye